माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने आप पर कर्म कर दिया है। क्या हाल है भैया? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम शुक्र। आप सुनाए, ठीक है? शुक्र ठीक ठाक भाई, बैठे भाई बैठे। माशाल्लाह यार, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला ने आपको नौकरी दे दी है, लेकिन बड़े तजुब की बात है, आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुझे भी पता है स्टार्टिंग के शुरू के दिन होते हैं तो कितने मसरूफियात के होते हैं। मैं हालांकि अपने घर वालों को भी नहीं यार टाइम दे सका है, लेकिन आज मैंने इंशाल्लाह तेरे पास आना था और तुझे कुछ खबरें भी वहाँ आके एक सुनानी थी। मैंने कहा चलो वहाँ इसे जाके सुनाएंगे और मैं अपने घर वालों को भी यार जरूर लेके आऊँगा। यार ये कौन सी खुशखबरी हुई जो 3 दिन बाद तू दे रहा है और आज कह रहा है कि मैं तेरे घर आऊँगा? अगर आना होता तो उसी दिन आता, उसी दिन खुशखबरी देता। मैं तो तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ यार। ठीक है, देखो तेरा गुस्सा करना जायज़ बनता है, आज इत्तफाकन तुम मेरे पास आ गया, मैंने तेरे पास आना था। अच्छा छोड़, खैर जो भी है अपना गुस्सा को ख़त्म कर। तू ये बता, तू किस काम के लिए आया? खैरियत है? चलो माशाल्लाह बहुत खुश हुई, अल्लाह ताला ने तुझे नौकरी दे दी है। मैं पहले भी यहाँ दफ्तर में आया था तो एक भाई यहाँ बैठते हैं, तो मैंने उनसे अपनी ज़मीन के मामलात में बात की थी। अब तो तुम मिल गए हो, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मसला अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। यार जो तुम्हें यहाँ मिले थे ना, वो मेरे बॉस हैं, मैं उनसे अपने तौर पे बात करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि तेरा मसला ज़रूर हल हो जाएगा यार, तू परेशान ना हो। यार तू बड़ी नौकरी की तलाश में था, फिर तुझे अचानक नौकरी मिल गई, ये कैसे मुमकिन हो पाया है? यार तुम्हें याद है तूने मुझे एक दिन कुछ बातें बताई थी, वो बातें मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। अब्दुल्ला भाई सुनाओ, कोई नौकरी मिली है या नहीं? यार बस अभी मिली तो नहीं है, लेकिन इसी कोशिश में हूँ। चलो अच्छा यार, मैं तुझे एक दुआ बताता हूँ, जो बंदा ये दुआ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर रिज़्क देते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियम वामलम मुतकब्बलम वरिज़्क़न तय्यिबा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जो रिज़्क चाहता है, जो चाहता है कि मुझे रिज़्क मिले, उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। यार मैं लोगों के साथ सिला रहमी ज़रूर करूँगा, और इस दुआ को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दो ताकि मैं इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। यार मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। सेंड हो गया यार, अल्लाह खैर करेगा। यार मैं तुम्हारी बताई हुई दुआ और नसीहत पर अमल करता रहा, और अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ यार, हमारे घर अचानक अबू के दोस्त आए, वो उनसे मेरी कुछ बात होती रही है, तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा आजकल क्या कर रहे हो? तो मैंने उन्हें कहा कि अंकल जी नौकरी की तलाश में हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे दफ्तर में असिस्टेंट की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो कल से आ सकते हो। तो मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा फारिग रहने से बेहतर है कि चलो बंदा कुछ टाइम लगा है वहाँ। चलो यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, तुझे नौकरी मिल गई। चलो यार अब काफ़ी टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ, जब तुम मेरे घर आओगे ना मैं तुझे अपना सारा ज़मीन का मामला बताऊँगा। तो अपने बॉस से बात करना, उस मसले को ना जल्द से जल्द हल करना है। अल्लाह ताला तुझे बहुत खुश रखे, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे भी तुझे बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, इससे बेहतर नौकरी तुझे अल्लाह ताला दे। चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको बहुत ज़्यादा।